फ्रेंड्स नमस्ते, वेलकम टू चंद्र फिटनेस। पहली बार मैं हिंदी में वीडियो बना, थोड़ा मींस कम्युनिकेशन में कुछ प्रॉब्लम होगा तो माफ कर दो। अब भी क्या टॉपिक आज निकालने वाले हैं, चलिए देखते हैं। आज का टॉपिक है रोटी वर्सेस राइस, रोटी बेटर है या राइस बेटर है अपने हेल्थ के लिए, वो टॉपिक आज कवर करने वाला हूँ। इसीलिए ये वीडियो को एंड तक देखिए, नहीं तो आपको कंफ्यूज हो जाएगा। मीन्स क्या आपको खाना चाहिए, रोज रोटीन में क्या खाना चाहिए, रोटी खाना चाहिए या राइस खाना चाहिए, व्हाइट राइस खाना चाहिए, तो आपको कंफ्यूज रहेगा, कौन सा हेल्दी है कुछ समझ में नहीं आएगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल रहेगा, इसलिए कन्फर्म है ये वीडियो को एंड तक देखिए तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि आप रोटी का खाना है या व्हाइट राइस खाना है बॉडी बिल्डिंग के लिए या हेल्थ के लिए। तो इसलिए मेरे वीडियो पे एंड तक जुड़े रहिए। और आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो नीचे सब्सक्राइब करके एक बटन होगा, बटन को क्लिक करिए और क्लिक करने से आप मेरे से जुड़ जाएंगे, मेरे फैमिली में जुड़ जाएंगे और आपको और अच्छे अच्छे टिप्स एंड ट्रिक्स मिलते जाएगा। और मैं अभी हिंदी में भी आपके लिए मैं अच्छे अच्छे वीडियोज लाते जाऊंगा, इसीलिए मेरे को सपोर्ट करने के लिए कन्फर्म सब्सक्राइब बटन क्लिक करिए। चलिए चलते हैं। हाँ फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है रोटी वर्सेस राइस, विच इज बेटर फॉर हेल्थ, अपने हेल्थ के लिए क्या बेटर है, मींस रोटी रहेगा या राइस रहेगा। क्योंकि बहुत सारे जन अभी 99% अपने इंडिया में क्या करते हैं, राइस एंड रोटीज खाते हैं और ज्यादा से ज्यादा राइस भी प्रिपरेशन करते हैं, मींस राइस भी ज्यादा खा लेते हैं। तो राइस खाने से क्या होता है और रोटी खाने से क्या होता है, अपने लिए दोनों में से कौन सा बेस्ट रहेगा अपने फ्यूचर के लिए, अपने हेल्थ के लिए। रोटी में क्या क्या है आपको अभी बताता हूँ। रोटी किससे बनता है, रोटी गेहूं से बनता है, पूरे गेहूं को, गेहूं रहता है, गेहूं को अपन पिसाते हैं और गेहूं से निकाल के बनता है। तो क्या होता है, वो गेहूं से बनता है तो उसमें रहता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। ओके फ्रेंड, तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं अपने बॉडी में, जब अपन खाते हैं तो वो थोड़ा थोड़ा रिलीज करता है अपने कार्बोहाइड्रेट को, थोड़ा थोड़ा यानी कि स्लो डाइजेस्ट में रखता है और थोड़ा थोड़ा रिलीज करता है। तब क्या होता है, अपना जो बॉडी का इंसुलिन है, मींस जो अपने बॉडी का इंसुलिन है उसको स्पाइक करने से रोकता है। स्पाइक करने से रोकने से क्या होता है, अपना शुगर लेवल है, जो शुगर का लेवल है वो बराबर रहता है और आके अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल और आके अपना ब्लड प्रेशर और डायबिटीज का जो भी इश्यूज वगैरह जो भी है उससे बचने के लिए बहुत हेल्पफुल करता है रोटी। यही है कि राइस में क्या है, राइस में भी कार्बोहाइड्रेट ही है, इसमें भी कार्बोहाइड्रेट है, पर आके इसमें कौन सा कार्बोहाइड्रेट है रोटी में, रोटी में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। राइस में क्या है, व्हाइट राइस में सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। ओके, सिंपल कार्बोहाइड्रेट और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में क्या फर्क है, बहुत फर्क है फ्रेंड्स, अभी बताता हूँ। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट स्लो रिलीज करता है बॉडी में, तो क्या होता है अपने इंसुलिन को स्पाइक करने से रोकता है। पर आके व्हाइट राइस में सिंपल कार्बोहाइड्रेट है तो वो फास्ट डाइजेशन हो जाता है। फास्ट डाइजेशन होने के कारण क्या होता है, अपने शुगर लेवल इंक्रीज होता है, अपना इंसुलिन लेवल को स्पाइक कर देता है। स्पाइक करने से क्या होगा, आप भी सोच के देखिए, अपने शुगर लेवल बढ़ेगा तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर आएगा और उसमें कोलेस्ट्रॉल भी रहेगा। और व्हाइट राइस को कैसी अपन व्हाइट राइस को निकालते हैं राइस से, ब्राउन राइस को उसको फिल्टर करके फिर आदमी व्हाइट राइस कन्वर्ट करते हैं। तो जब फिल्टर करते हैं तब क्या होता है, ब्राउन राइस से जो ब्राउन ऊपर का शेड निकल जाता है तो उसका फाइबर वगैरह सब निकल जाता है, तो निकल उसमें आता है, व्हाइट राइस में क्या आता है, कुछ नहीं आता है। व्हाइट राइस में सिर्फ वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट रहता है, उसमें कोई न्यूट्रिशन वगैरह कुछ नहीं रहता है। पर आके जो गेहूं में रहता है, गेहूं में आके टोटल वो होल गेहूं को ही चुन पीस के उसमें से रोटी बनाते हैं, तो उसमें रहता है आपको, उसमें माइक्रो न्यूट्रिशन भी मिल जाएगा। उसमें क्या क्या मिलेगा आपको, माइक्रो न्यूट्रिशन में मिल जाएगा विटामिन मिनरल्स वगैरह सब मिल जाएगा। और आके आपको उसमें मेन क्या मिलेगा, फाइबर मिलेगा। फाइबर एक ऐसा है कि वो आके आपके कार्बोहाइड्रेट जो स्लो डाइजेशन के लिए बहुत हेल्पफुल करता है। आप लेकर राइस को, व्हाइट राइस को कम करें और आके आपके जो मील में रोटी को थोड़ा बढ़ा ले, यानी कि थोड़ा नहीं एक दो बढ़ा ले बस हो गया, तो आपको हेल्थ के लिए बहुत 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 हेल्पफुल रहेगा बॉडी बिल्डिंग के लिए। तो आप क्या कर सकते हो, आप कर सकते हो, अभी आप गेन के प्रोसेस में हो यानी कि वेट गेन कर रहे, तो आप क्या करेंगे, एकदम दबा के खाओ यार, पर दबा के खाने से मतलब नहीं है, उसको बराबर खाना चाहिए। तो आप अपने मील में दो दो रोटी ऐड कर लो, यानी कि लंच में दो करो और डिनर में दो करो, बस ज़्यादा भी नहीं करना है, कम भी नहीं करना है वेट गेन के प्रोसेस में। वही आके आप वेट लॉस कर रहे हैं, वेट लॉस के प्रोसेस में हो, तो आप क्या करना चाहिए, आपकी जो मील में आए रोटी को एक कर दो, एक रोटी लो और आप बहुत टाइट टाइट
डाइट में हूँ एकदम, मेरे को अभी कड़क एकदम शार्प करना है मुझे बॉडी वगैरह, तो आपको आप स्किप कर सकते हैं आपका रोटी, तो क्योंकि उसमें तो कार्ब है। बहुत सारे जन को पता भी नहीं होगा, बहुत सारे जन को पता भी होगा तो मैं बता देता हूँ। बहुत सारे जन का कहना है कि उसमें तो कार्ब का है, उसमें तो ओनली फाइबर रहता है, पर फाइबर नहीं, उसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, अच्छे से सर्च करके देख लो, रहता ही है उसमें। इसीलिए बोल रहा तुम चाहो तो उसमें से स्किप कर सकते हो, बहुत टाइट डाइट में रहेंगे तो। और आके मुझसे पूछेंगे तुम्हारा सजेशन क्या है, तुम कौन सा लोगे, तो मैं कंफर्म बता सकता हूँ कि मेरे को व्हाइट राइस से बेटर देन बेटर रोटी लगेगा, मैं रोटी चूज करूँगा। वो आके मुझसे पूछेंगे कि ब्राउन राइस एंड रोटी में कौन सा लोगे, तो मैं कंपलसरी ब्राउन राइस ही लूंगा, क्योंकि ब्राउन राइस एंड रोटी को रखेंगे तो इक्वली रहेगा। पर आके ब्राउन राइस में तुम्हारे को सेम न्यूट्रिशन वगैरह सब मिल जाएगा और मेरे को खाने में थोड़ा अच्छा भी लगेगा, तो आप ब्राउन राइस भी खा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। मैं क्यों ब्राउन राइस को इसमें नहीं खींचा, क्योंकि 99% ब्राउन राइस को यूज नहीं करते अपने इंडिया में, तो इसीलिए मैंने रोटी एंड राइस यूज करते उसके ऊपर निकाला। तो आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा और अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो कन्फर्म लाइक बटन क्लिक करो, क्लिक के फोटो डालो लाइक बटन को, तो मुझे बहुत खुशी होगी। एंड मुझे लव एंड सपोर्ट अच्छे से करो, तो मैं और आगे अच्छे अच्छे वीडियोस अच्छे अच्छे टॉपिक्स लेके आऊंगा। ओके फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर। सॉरी फ्रेंड्स, मैं बताना भूल गया, मुझे इंस्टा एंड फेसबुक में फॉलो नहीं कर रहे होंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया होगा, फट से जाओ उसको क्लिक करो एंड फॉलो फट से फॉलो कर दो, और ये वीडियो को सब भी फ्रेंड्स को शेयर कर दो कि समझ में आ जाएगा कि उनको रोटी खाना चाहिए या राइस खाना चाहिए अपने रोजी रोटीन में, समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स मुझे लग रहा है। और ये वीडियो में कुछ कमेंट आपको करना है, नीचे जाओ कमेंट सेक्शन में धड़ 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 कमेंट करो। ओके फ्रेंड्स, ओके बाय, टेक केयर।